अब आज की इस वाली वीडियो में आप लोग देखने वाले हो अपनी बाइक का हैंड कैम, सेंसिटिविटी कंट्रोल और एक मैच में मुझे कितने ज्यादा फैंस मिलते हैं। सर आप लोग ये गिनो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई मेरे सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर है लेकिन मुझे इतने ज्यादा लोग कैसे जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक हो गए जी सबका न्यू वीडियो के अंदर। अच्छा आज की जो ये वाली वीडियो है काफी मजे के होने वाली है और आप लोग काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में आप लोग देखने वाले अपने बाइक का हैंड कैम जो कि आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ सेंसिटिविटी कंट्रोल और हाँ एक मैच में मुझे कितने ज्यादा फैंस मिलते हैं। जरा आप लोग ये गिनो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे इतने ज्यादा बंदे कैसे जानते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और भाई बंदे कुछ ज्यादा ही जानने लग गए। अब मैं यहाँ पर उतरा था स्टेडियम के अंदर सोलो वर्स स्क्वाड खेल रहा था, यहाँ पर एक बंदा उतरा था जिसके हाथ में जीतरी था, तो मैं सीधा सीधा मतलब स्विमिंग पूल में भाग जाता हूँ, वहां पर मुझे मिल जाता है डबल जीतरी। अब मैं जल्दी जल्दी पुश कर लेता हूँ, ये बंदा यहाँ पर होता है, मैं थोड़ा ध्यान से आता हूँ ताकि इसको साउंड ना चला जाए। और भाई इसी के साथ यहाँ पर इस पहले बंदे को मैं काफी इजीली निपटा देता हूँ। अब मुझे पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में यही बोलोगे कि भाई आपने गुज्जर एक्स को मार दिया, तो भाई ये पेक था, मुझे पता है। आप कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि ये गुज्जर एक्स था, वैसे रियल को भी तुम्हारे भाई ने मारा है। अब मैं बगी निकालता हूँ और बंदों को मारने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट आता हूँ और यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं 4 बंदे और जस्ट 1v4 देखो। और भाई इसी के साथ होता है यहाँ पर तुम्हारे भाई का पहला 1v4 और इन चारों को तुम्हारा भाई लोबी पहुंचा देता है, लेकिन ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और हेटर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि यार हैंड कैम जरा ध्यान से देखो, आप लोग बोलते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपका एम इतना अच्छा कैसे चिपकता है, तो हैंड कैम ध्यान से देखो। अब मैं बगी निकालता हूँ और बंदों को मारने के लिए, यहाँ पर मुझे एक बंदे का साउंड आता है, बगी रोकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को काफी इजीली नॉक कर देता हूँ, सामने की तरफ एक बोट होता है, इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली नॉक करता हूँ, साथ ही साथ इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। अब जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसका लूट उठ करके निकल रहा था और बंदों को मारने के लिए, लेकिन जैसे मैं बगी में बैठता हूँ तभी देखो। अब यहाँ पर मैं रिफ्लेक्स मारने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा यहाँ पर कवर में चला जाता है। अब मैं ना ओपन में हील लगा सकता था ना ही कवर था, और भाई यहाँ पर मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता हूँ, क्योंकि यार सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, कभी मारेंगे कभी मरेंगे। अब इस वाले मैच में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ज्यादा ही फैंस मिलने वाले हैं, आप लोग जरा गिनो। अब इस मैच में मैं आ जाता हूँ स्पॉट के अंदर, सामने की तरफ 2 बंदे जैसे लैंड होते हैं मैं जल्दी से पुश करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आता है कि भाई मेरे हाथ में कोई अच्छी गन नहीं है, चूतिया सा गन है, पता नहीं इससे बंदा मरेगा भी कि नहीं। लेकिन जैसे मैं पुश करने वाला था, सामने वाले बंदों को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, वो लोग पुश कर देते हैं। और अब देखो, अब यहाँ पर मैं पहले बंदे को नॉक करता हूँ और इसको साथ ही साथ फिनिश भी कर देता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये अपने टीममेट के भरोसे आ रहा था और इसका टीममेट भाई इसे मरता हुआ देखकर भाई भाग जाता है, सीधा इस वाले घर के छत पे चला जाता है। अब यहाँ पर ये बंदा थोड़ा कैंपिंग करने लग जाता है, तो मैंने सोचा चलो यार इसको थोड़ा दिमाग से मारते हैं। यहाँ पर मैं स्मोक कुक करता हूँ, उसको लग रहा है कि मैं नेड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो नीचे पुश कर देगा, लेकिन वो बंदा नीचे पुश नहीं करता, अपने जगह चेंज कर लेता है और मैं सीधा पुश करता हूँ। और भाई इसी के साथ यहाँ पर इस बंदे को काफी इजीली लोबी पहुंचा देता हूँ। अब यहाँ पर अच्छा खासा लूट करके गाड़ी निकालता हूँ और बंदों को मारने के लिए सीधा तो तड़ेल की साइड। अब जैसे मैं इस वाले घर पे ये गाड़ी रोक देता हूँ ना, ऊपर की साइड एक बंदा था जो कि नीचे बंदों को मार रहा था, और इसी का फायदा उठा के मैं जल्दी जल्दी पुश करता हूँ। अब इस वाले बंदे को यहाँ पर मैं काफी इजीली निपटा देता हूँ, जल्दी जल्दी लूट करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अब मैं नीचे वाले बंदे को पुश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो जस्ट तुम्हारे भाई ने इस वाले बंदे को कितना प्यारा मारा, मतलब जैसे मैंने LCR मावी भाई को मारा था ना, इसी तरह मैंने इस वाले बंदे को मारा है। अब इसको मैंने कैसे उल्लू बनाया, यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को पुश कर रहा था लेकिन ये बंदा ऊपर बैठा था, तो मुझे लग रहा था ये निपटा देगा, तो मैं स्मोक कुक करता हूँ और ये वाला बंदा पुश कर लेता है। और भाई इसी तरह तुम्हारे भाई ने मारा था LCR मावी भाई को, लेकिन वहां पर मैंने स्मोक का नहीं पिंक किलर का यूज किया था और यहाँ पर मैंने स्मोक का यूज कर लिया। अब सामने की तरफ और बंदे थे, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इस वाले बंदे को फिनिश कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत लूट करता हूँ और सीधा सामने की तरफ पुश कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर पुश कर देता हूँ ना, अब यहाँ पर मुझे मिलने वाले अपने फैंस, जस्ट आप लोग देखो।
अब यहाँ पर मैं किल चोरी करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन यार एक भी किल नहीं मिलती। अब जैसे मैं छत पे आता हूँ, इतने में एक आवाज आता है, मारना भाई। अब ये बंदा बोल रहा था कि भाई मत मारो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे बोल रहा है या किसी और को बोल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फाइट लेने की ट्राई कर रहा था। अब ये वाला बंदा जो मैंने मार दिया, ये अलग बंदा था। अब इस घर के नीचे दो बंदे थे और इन दोनों पे जो मैं पुश करने वाला हूँ ना, जरा ये चेकआउट करो। लेकिन एक बंदे को नॉक करने के बाद दूसरा बंदा उछलने लगता है। हेलो बॉस ब्रो, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, बिग फैन ब्रो। हेलो ब्रो, हेलो, आपकी सारी वीडियोस में देखता हूं ब्रो। और भाई इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, लेकिन यहाँ पर मैंने इन दोनों को समझा दिया कि भाई मैं हैंड कैम वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें जा रहा हूँ और बंदों को मारने के लिए, अगर मैं जिंदा रहा तो एंड में मिलेंगे। तो ये बंदे भी समझदार थे, बोलते कि चले जाओ। अब मैं जैसे जा रहा था और बंदों को मारने के लिए गाड़ी लेने जा रहा था, इतने मुझे नीले घर की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है। अब मैं इसके पास आ जाता हूँ और जरा इसकी भी बातें सुन लेना। और भाई इस बंदे को मेरे बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ, सिर्फ इतना इसको पता था। तो यार मैं कहता हूँ लव यू हो गया, अपना 5 रुपए वाला दिल निकाल के मैं तुझे दे दूँ, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, गेम में नहीं दे सकता, तुम रियल में मिल जाओ, ले लेना मेरा दिल। क्योंकि यार इंडिया से आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, तो मैं कहता हूँ लव यू हो गया। इसी तरह प्यार करते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो, क्योंकि 2024 से पहले पहले हमें 10K कंप्लीट करने किसी भी हाल में। अगर आप भी बॉस की फैमिली में आना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यार आपकी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं किया तो उसी ये वाली वीडियो शेयर कर देना और बोल देना शराबत से सब्सक्राइब करो। अगर आपकी भी मेरी तरह गर्लफ्रेंड नहीं है तो निकम्मे दोस्तों होंगी ना, उसके साथ शेयर कर देना। अब करते अपने गेम प्ले पे फोकस। तो यार यहाँ पर होते अकेला बंदा जिसके हाथ में होती है RPG, और भाई यहाँ पर जस्ट मैं 1 HP पे बच जाता हूँ। अब मैंने सोचा अगर बोट मेरे पास से भी गुजर गया ना, तो मैं सीधा लॉबी में, लेकिन अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे से गन से पाइट नहीं लूंगा। मुझे पता था अगर गन से पाइट लूंगा तो भाई सीधा लॉबी में, तो यहाँ पर मैं नेट ढूंढने लग जाता हूँ और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मुझे यहाँ पर नेट मिल जाता है। और अब यहाँ पर देखो इस वाले बंदे को तुम्हारा भाई नेट से कैसे उड़ाता है, मतलब मेरे पास एक ही नेट था। और अब मैंने सोचा अगर ये नेट मैंने मिस कर दिया ना, तो ये बंदा मुझे मिस नहीं करने वाला। और मेरी जान ऐसे कैसे, मतलब इस बंदे ने हमें डराया है, तो अब हमारी बारी है इसको मारने की। अब इस वाले बंदे को हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया, अच्छा खासा लूट करके AWM उठाया। लेकिन जिस मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी देखो और वह यहाँ पर ये बंदा थोड़ा गंदा मार रहा था, लेकिन अब देखो इसका जवाब हम देंगे AWM की शॉट से। अब मेरे हाथ में AWM है तो भाई ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। और भाई मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधा एक बॉडी शॉट और ये बंदा नॉक। अब मैं जल्दी जल्दी गाड़ी निकालता हूँ, सीधा इन बंदों पे पुश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पत्थर के पीछे रिवाइव देंगे। अगर मैं ऊपर के साइड जाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा एंगल मिल सकता है। और अब देखो और भाई इसी के साथ यहाँ पर मैं इन दोनों को निपटा देता हूँ। अब इन दोनों को मारने के बाद मैं गाड़ी में बैठता हूँ, सीधा जोन में आता हूँ। अब जोन जो था ना काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये बंदे जिंदा है तो है कहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे नीचे घर के ऊपर एक बंदा स्पॉट हो जाता है। अब पहला शॉट मेरा मिस हो जाता है, लेकिन जब मैं दोबारा स्कोप ओपन करता हूँ तो भाई ये बंदा उछलने लगता है, तो मैं समझ गया कि भाई ये वही बंदे हैं जो मुझे तड़ेल में मिले थे और ये वही दोनों होते हैं। अब यहाँ पर मैं इन दोनों से थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूँ कि भाई क्या हाल है, सब कुछ ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई ये लास्ट वाला बंदा आप लोग का टीममेट है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारा टीममेट नहीं है, जाके मार दो। और अब देखो इस लास्ट वाले बंदे को कैसे पकड़ते हैं। ऊपर ऊपर ध्यान से, और भाई इसी के साथ यहाँ पर इस लास्ट वाले बंदे को भी मैं निपटा देता हूँ। अब यहाँ पर कुल मिला के मेरे 10 किल हो चुके थे, लेकिन मैं हैंड कैम पे फोकस कर रहा था, मेरे किल पे फोकस नहीं था, इस वजह से किल थोड़े कम हुए। अब इस वाले बंदों को मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अपने दोनों किल दे दो, क्योंकि किल काफी ज्यादा कम है और ये बंदे भी काफी अच्छे बंदे थे, किल इन दोनों ने दे दिया। अब इन दोनों को मार के चिकन मिल जाता है। लेकिन अब चलते अपने कंट्रोल और सेंसिटिविटी की तरफ। अब कंट्रोल और सेंसिटिविटी आप लोग देख लेना, अगर कॉपी करना है तो यार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।